हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं रोहित कुमार, मैं आपको आपका अपना चैनल महुआ गाछी ग्रीन में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, दिल्ली का जो ब्लॉग है वो अब चल ही रहा है, देख सकते हो। अब हम इंडिया गेट आ गया हूँ। इससे पहले मैं आपको ब्लॉग दिया था जो था रेड फुट का, इसके बाद कुतुब मीनार, और थर्ड ब्लॉग जो है वह इंडिया गेट का। मैं इंडिया गेट पर आ गया हूँ, देख सकते हो। और यहाँ आने के लिए दोस्तों, यहाँ के जो नज़दीकतम मेट्रो स्टेशन है वह केंद्रीय सचिवालय या उद्योग भवन, कहीं से भी आप कोई भी मेट्रो स्टेशन पर उतर करके यहाँ आ सकते हो। पैदल ही है, पैदल ही घूम करके आप आ सकते हो दोस्तों। कोई ऑटो वगैरह ले लीजिएगा, मजा आएगा घूमने में। और हाँ, इंडिया गेट आता है दोस्तों तो शाम के समय आइएगा, बहुत ही अच्छा है। जैसे चारों साइड देख सकते हो, सभी आदमी लोग पिकनिक वगैरह मना रहे हैं चारों साइड। तो आप उद्योग भवन या केंद्रीय सचिवालय आ सकते हो। तो चलिए चलते हैं उस तरफ और देखते हैं इंडिया गेट। और इंडिया गेट के बारे में कुछ इतिहास है वह भी मैं बताता हूँ। वार मेमोरियल है ये, और कब बना था, क्या है, नहीं, वो सभी चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप बने रहिए। दोस्तों, अब हम लोग जो है इंडिया गेट के उस तरफ जा रहे हैं, तो कभी भी आप रोड क्रॉस नहीं कीजिएगा। जैसे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वैसे ही इंडिया गेट से जो सामने जाते हैं रोड होते हुए, इधर जो है अंडरग्राउंड है। अब देख सकते हो दोस्तों, इधर अंडरग्राउंड हो गया। तो इसी अंडरग्राउंड में चलते हैं, इसी अंडरग्राउंड होते हुए हम लोग चलते हैं और उस तरफ, और फिर इस इंडिया गेट के बारे में मैं कुछ बताता हूँ आपको। ये जो अंडरग्राउंड है, ऐसे ही जाइएगा दोस्तों। तो यह है अंदर पास इंडिया गेट का। अब अंदर से जा सकते हो आप। तो जानकारी जो है वह दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पे। अंदर पास होकर के हम लोग निकलते हैं, चलते हैं वहाँ इंडिया गेट, और फिर वहाँ जाकर के फिर हम लोग बातें करते हैं। तो यह जो इंडिया गेट है वह वार मेमोरियल्स है, यानी कि अफगान वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो सैनिक मारा था उन्हीं के याद में यह इंडिया गेट बनाया गया था। और इसकी हाइट की बात किया जाए तो यह 42 मीटर की है, और यह जो है 1921 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। तो जितना सैनिक लोग जो डेट किए थे, शहीद हुए थे, उन सभी लोग का नाम इस पर लिखा हुआ, जो मेरे कैमरे में आप देख सकते हो, वीडियो में आप देख सकते हो, और जस्ट इधर बगल में दोस्तों आप देख सकते हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू यहाँ पर है। और इससे पहले यहाँ पर कोई अंग्रेज का स्टैचू था, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वह कौन अंग्रेज का स्टैचू यहाँ पर था, हटा करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हटा करके यहाँ पर अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू लगाया गया है। तो इधर आप देख सकते हो, और ये रहा इंडिया गेट। अब धीरे धीरे लाइट से जगमग हो रहा है, तो मैं सभी लेजर लाइट होता है वो सभी चीज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये जो इंडिया गेट है वह अशोक राजपथ पर बना हुआ है, और ये जो परेड होती है जब 26 जनवरी में, यहाँ का जो प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति, वह आकर के यहीं पे झंडा फहराते हैं। और जब परेड होता है तो ये जो देख रहे हैं अशोक राजपथ, इसी होकर के सामने जो दोस्तों आप देखते हैं, इधर जो दोस्तों आप सामने देख रहे हैं, वह जो है राष्ट्रपति भवन है, और वहाँ से होते हुए आती है और यही इंडिया गेट के पास इसी में होते हुए निकलती है। सारा जो मिलिट्री का जो परेड होता है वो सभी चीज़ इसी में आ जाती है।
तो दोस्तों इस वीडियो में यही जानकारी थी, इस वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, दोनों तरफ जो फाउंटेन लगा हुआ है और गार्डन है, यह सब बहुत ही अच्छा है। अगर आप दिल्ली आते हो तो इंडिया गेट जरूर आए, क्योंकि मेन स्पॉट जो है दिल्ली का वह इंडिया गेट ही है। और यहाँ थोड़ा देर रहे, इसके बारे में कुछ जाने, और अगर छोटे बच्चे के साथ आते हैं तो उन्हें भी इसके बारे में बताएं कि कैसे सेकेंड वर्ल्ड वार और अफगान वार हुआ था, तो उसमें अपना इंडिया सैनिक शहीद हुए थे, उसी के याद में अंग्रेजों ने यह बनवाया था 1921 ईस्वी में। और जो अपना कारगिल में जो शहीद हुए थे, 1971 के पाक युद्ध में शहीद हुए थे, उन सभी के नाम से यहाँ पर रीनेमिंग किया गया इनका ऊपर। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक जाइए मेरे इस चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर ले। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे।